भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। इधर वह गए थे अंदर और वहां जाकर के देखा कि किवाड़ खुलाई है और मैया अगर आ जाएगी और देखेगी कि किवाड़ खुला है तो धीरे से बंद कर देगी। इसलिए सोचा कि पहले से ही भागने की तैयारी कर लें, तो इधर के किवाड़ ढक दिए और पिछले आंगन के किवाड़ खोल दी। आप बोले कि मक्खन मक्खन खाएं कैसे, वहाँ एक उखल पड़ी थी। ये भगवान जी ने पहले ही कह दिया था कि मैया यदि तू नहीं मानेगी नहीं पिलाएगी तो मैं खलों का संग करूँगा, खल उखल। उस समय मैया ने सोचा था कि इसने ऐसे ही बात कही है, पर इन्होंने तो अपनी बात कह दी थी। उखल का संग करना, वहाँ छीका जरा ऊपर था, वहाँ बहुत छीके थे और सभी मक्खन से भरे थे, ये एक को भी छू नहीं सके। सोचे क्या करें, इतने में उखल दिखाई दिया तो धीरे धीरे उखल को सरकाया और नन्हे नन्हे हाथों से उखल की उल्टी कर दी और उसके ऊपर खड़े हो गए। अब उससे हाथ डालना सहज हो गया। अब वे बारी बारी से सभी मटकों से लेकर के स्वाद लेने लगे। जो नैवेद्य नारायण के लिए रखा था उन सब का प्रसाद इन्होंने बड़े आनंद से ले लिया, लेकिन बार बार दरवाजे की तरफ देख लेते थे कि कहीं माँ आ जाए तो भागने की तैयारी करें। मैया उधर मुग्ध हुई खड़ी थी, मुग्ध हुई खड़ी है, नहीं तो जल्दी आ जाती। मैया तो अपने बच्चे की चतुराई देख करके मुग्ध हो गई और आनंद सागर में डूब गई। ये ऐसा सुंदर भाव है, ऐसा कमनीय कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी इसकी ओर देख करके निर्निमेष नेत्र हो जाते हैं और तमाम इकट्ठे हो जाते हैं। ये है जड़ वृक्ष आदि जो हैं, ये जब इनके समीप से निकलते तो उनके अंदर से प्रेम की धारा बहने लगती, वृक्ष टपकने लगते। आंगन के उस पार तमाम पेड़ थे, उन पर बंदर थे। उन बंदरों ने इनके रूप माधुरी को देखा तो बंदर धीरे धीरे उनकी ओर आने लगे। बंदरों की अपनी भाषा में खबर फैली तो तमाम बंदरों के समूह इकट्ठे होकर के आंगन में आने लगे। वहाँ हो गए हजारों बंदर, सब देख रहे हैं कि वह मज़े में खा रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया ने देखा कि यहाँ बंदर इकट्ठे हैं और मेरी ओर देख रहे हैं, तो कहा खाओगे। तब बंदर किलकारी मारने लगे तो इन्होंने सोचा कि हाँ मांग रहे हैं, कहा अच्छा पेट भर के खाओ, आज तो बहुत है। ये मक्खन छीकों से ले ले करके बंदरों की ओर फेंकने लगे। वह तो नवनीत भंडार था, पर जब ये लग गए उसमें तो अपने आप नया नया और भरता जाए, पूर्ण हाथ लग करके सब पूर्ण हो जाए। ना मक्खन का पार रहा, ना खाने वाले बंदरों का पार रहा, सब बड़े आनंद से आए। इनके मन में आया कि ये त्रेता युग का जो कर्ज था उन बंदरों का वे आज उतार रहे हैं। वहाँ तो बिना रसद के काम हुआ था ना, सारी सेना 18 पदम तो यूथप सेनापति रहे बंदरों के, उन बंदरों के बेचारों को खाने का कोई प्रबंध नहीं था, कोई भोजन का इंतजाम करने वाला विभाग साथ नहीं चल रहा था। बंदर बेचारे अपने से जो फल फूल मिलता उसे खाते और सेवा करते। भगवान जी ने कहा था कि देखो मौका आने दो, मैं तुम लोगों को अपने हाथ से खिलाऊंगा। याद आ गई इनको बात और कहा आज अवसर आ गया। उन बंदरों को याद किया, ये बंदर मुक्त नहीं हुए थे। ये कथा रामायण में आती है, मुक्त तो राक्षस हुए, प्रेमी थोड़े मुक्त होते हैं, ये तो हमेशा प्रेम रस चखना चाहते हैं। यहाँ बंदरों को याद किया तो सारे बंदर इकट्ठे हो गए। देवताओं ने देखा कि अब आज तो अवसर मिलेगा, इसलिए आज बंदर बनो, आज हाथ से मिलेगा। जो देवता सौभाग्यशाली थे उनको मिला,
सबको बंदर बनने का सौभाग्य आज नहीं मिला। चेष्टा करने पर भी नहीं बन सके। जिनको भगवान जी ने देखा कि योग्य हैं वे देवता ही बंदर बने। अब वहाँ बंदरों का भोज होने लगा। ये फेंके जाएं और वे हाथ बड़ा बड़ा करके लेते जाएं। बंदरों ने अपना मुंह फैला दिया और ये इस प्रकार से निशाना लगा करके फेंकें कि उनके मुंह में चला जाए। उधर मैया को होश आया, अब मन में आया कहीं मैं भाग तो नहीं गया। गया तो है डर के मारे ही, और डर से कहीं दूर भाग गया होगा तो आज कोई घर में है नहीं, कहीं गिर पड़ेगा, कोई जीव जंतु काट लेगा, या कहीं दूर निकल गया और कहीं छुप गया तो बड़ी मुश्किल होगी। मैया के मन में इस मधुर भाव को लेकर के एक भय पैदा हो गया। अब मैया ने सोचा कि क्या करें, अब तो पूरा सूरज उगा नहीं है और घर में अंधेरा है। वह कहीं भाग गया होगा, अंधेरे में कहीं गिर गया होगा तो उसके कोमल अंगों पर चोट लग गई होगी। अंधेरे घर में छिपने से बच्चे को डर लगता है, इसलिए वह और डरता होगा। एक तो मेरा डर, फिर अंधेरे का डर। यदि कहीं बीमार हो गया तब बड़ी मुश्किल होगी। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? दरवाजा बंद दिखा। मैया ने सोचा कि अब क्या करें, यहाँ एक घर तो है नहीं, इस महल में तो सैकड़ों सैकड़ों कमरे हैं और कोई आदमी है नहीं कि उसे भेजूं और ढूंढ करके ले आवे। मैंने तो सबको भेज दिया है। यशोदा मैया का मन व्याकुल हो गया। अब योग माया ने काम किया। उन्होंने कहा, मैया इन दही पर पड़े तमाम चरण चिन्हों को देखो। नन्ने नन्ने सुकोमल चरण भागते हुए दही पर जो पड़े तो जहां दही ज्यादा नहीं था वहां निशान पड़ गए। पद चिन्ह ने कहा कि आओ हम बताएं कि वह कहाँ गया है। तब भगवान जी ने प्रेरणा दी, पद चिन्हों को भी आगे की लीला करनी है ना। मैया यही दुख में पड़ी रहेगी तो काम नहीं होगा। तब मानो भगवान जी के चरण चिन्हों ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ, हम बता देंगे कि तुम्हारा लाला कहाँ छिपा। यहाँ खोज करके पद चिन्हों के सारे सारे मैया चलने लगी। देखा कि इस कमरे की सीकड़ी बंद नहीं है तो शायद अंदर ही होगा। मैया ने धीरे से किवाड़ खोले और देखा कि आज तो उखल पर सवार है और तमाम मटके पड़े हैं, ऐसे ही और परम आनंद से खा रहे हैं और खाते खाते बंदरों को लुटा रहे हैं, तथा उधर हजारों बंदर बैठे हैं। मैया को यहाँ फिर लीला क्रोध हुआ, बोली ये अब ज्यादा शरारत करने लगा। अब यदि इस पर शासन नहीं किया जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लाड कहाँ तक करें, बच्चे का लाड वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक बच्चा बिगड़ता ना हो, और जहाँ बच्चा बिगड़ने लगे वहाँ लाड नहीं करना चाहिए, वहाँ बच्चे को डांटना उचित है। बिना डांटे वह सुधरता नहीं। मैया के मन में आई कि अब इसे डांटना चाहिए। ये पड़ोसी ने जो कह रही थी कि खुद भी खाता है और बंदरों को भी खिलाता है, आज ये बात साबित होगी कि ये बंदरों को खिलाता है। इसका अभ्यास है कि स्वयं खाता है और खिलाता है। अब तो आंखों ने देख लिया, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैया मन में निश्चय करती है कि इस चंचल बालक को जो ढीठ बन रहा, शरारती बन रहा, इस पर शासन करना है, इसकी सारी चंचलता को दूर करना है। मैया ने सोचा कि क्या करें, धीरे से अंदर घुसी और घुसते ही देखा कि मैंने जो इसके खेलने के लिए सुंदर सी कोमल मणियों की एक छड़ी बना करके रखी थी वह पड़ी हुई। मैया ने सोचा कि ये तो छड़ी के नाम से डरता है, छड़ी किस चीज की है इसे क्या पता है, ये तो हाथ में लंबी लंबी चीज देखेगा तो डर जाएगा। मैया ने मणिमय कोमल छड़ी हाथ में ले ली
एक दिन मैया ने पूछा था, यहाँ कैसे आगे चली? तो श्री कृष्ण ने कहा था कि एक दिन खेलता खेलता यहाँ छोड़ गया था, अब भूल गया कि छड़ी कैसी है। तो यशोदा मैया ने छड़ी को उठा करके अपने आंचल में छुपा लिया, अगर छड़ी देखेगा तो भाग जाएगा, पहले पकड़ लूंगी फिर छड़ी दिखाऊंगी। अब मैया ने धीरे धीरे श्री कृष्ण के पीछे की ओर से, उनका मुंह तो बंदरों की ओर था, उनके पास जाना शुरू किया। इतने में ही उन्होंने देख लिया, बार बार उधर देख ही रहे थे तो उन्होंने जहाँ देखा कि मैया तो छड़ी लेकर के आ रही है, अब जरूर मारेगी। अब तक इन्हें काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ और अब भय आ गया। ये उखल से उछले और कूद करके भागे। मैया बोली, अरे बदमाश भागा जा रहा है, अशांत कहीं का शरारती कहीं भागा जा रहा है, अभी पकड़ती हूँ, कहाँ जाएगा भाग करके, तेरा सारा बल आज निकाल देना है, आज तुझे सीधा कर देना है, तो बहुत ढीठ हो गया है, मटके खाली कर दिए और नारायण का भोग तूने जूठा कर दिया और सब बंदरों को खिला पिला दिया, तो बड़ा दुष्ट है, आज तुझे दंड देना है। कहते हैं कि देखो ये मैया का हृदय कैसा है, ये वात्सल्य प्रेम का प्योनिधि है, इसमें वात्सल्य प्रेम रस का सागर उमड़ रहा है और इसी वात्सल्य प्रेम रस के द्वारा पीड़ित होकर के मैया भगवान जी के साथ ये व्यवहार कर रही है, जिन भगवान के चरणों का दर्शन ब्रह्मा जी के लिए भी अगम्य है, वे भी क्षीर सागर तट पर जाकर के भगवान जी के अंश अवतार की प्रार्थना करते हैं। ये सर्वलोकपालक सर्वलोक महेश्वर भगवान जो सबका लालन पालन करते हैं, उनको अपना बच्चा मान करके, ठीक अपना बच्चा जान करके, बालक समझ करके उन्हें अत्यंत हीन समझती है, नगण्य समझती है और डांटती डबटती है। कहते हैं कि योगी और ज्ञानी जन जन्म जन्म की तीव्र साधना करने के बाद भी सर्वव्यापी चित्त शक्ति का भी अनुसंधान नहीं कर पाते, सगुण रूप का अनुसंधान करना उनके लिए तो असंभव भी है, वे मानते ही नहीं हैं। जो व्यापक चित्त सत्ता है उस सत्ता को भी नहीं पा पाते, वहीं भगवान सच्चिदानंद में अपने प्रेम के द्वारा ही प्रकट किए हुए मूर्त रूप में आज चंचल कहला रहे हैं। मैया कहती है कि बड़ा चंचल हो गया है। कहते हैं कि जब भगवान किसी के ध्यान में नहीं आते, मैया उनका छिपे हुए को पकड़ लेती है, छिपे हुए को ढूंढ लेती है और उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है। ये मैया का प्रेम है, वात्सल्य भाव है। माँ ने कहा, अरे ढीठ बालक तो बड़ा दुष्ट हो गया, आज तुझे किसी प्रकार से भी बचने नहीं देना है। मैया इस प्रकार से डांटने लगी और उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। अब वे आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही। यहाँ कहते हैं, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र ब्रह्मा आदि देवता सर्व कारण कारण भगवान का तत्वता संधान भी नहीं पा सकते, अनेक जन्मों तक तीव्र साधना करके ही भगवान जी की जो चिन्मय सत्ता है उस सत्ता का ही भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। योगी लोग अनंत जन्मों की साधना से सारे जीवों के हृदय में सर्व अंतर्यामी रूप से स्थित जो आत्म ज्योति है उसको नहीं देख पाते। वे भगवान स्वयं यशोदा के बालक होकर के खेल रहे हैं और जो परमात्मा नित्य निश्चल अचल अटल माने जाते हैं, वे आगे आगे दौड़ रहे हैं। अचल को योगी नहीं पकड़ पाते, वह तो एक जगह ही हैं।
कोई भी पकड़ ले, परंतु यहाँ ये अचल चंचल होकर के भाग रहे हैं और मैया इन चंचल को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया के हाथ से बचने का इन्हें साधन नहीं दिख रहा है। पीछे पीछे मैया भाग रही है और ये पीछे पीछे देखते जाएं कि कहीं पकड़ ना ले और भागे। उस समय भगवान जी की भंगिमा है, आंखें कैसी होगी, जैसे आदमी चोरी करके डर जाए, इस प्रकार से भगवान जी की आंखें होगी। यहाँ भगवान डर रहे हैं, चोर डरता है ना, वैसे ही भगवान भाग रहे हैं भीत होकर के और मैया पीछे पीछे जा रही है। कहते हैं कि मैया ने समझा नहीं ये क्या चीज है और उन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। करी ज्ञान योग समाधि धारत ध्यान आवत है नाही, मन बुद्धि चित्त उपाय को करी दोरी पावत है नाही। जिन्हें को महो जसोदा चहे वसुदा, परी मति मोह में नहीं जान पूर्ण ब्रह्म, पुत्र ही मानी के भरी को में। मैया क्रोध से भर गई, इनका क्रोध भी वात्सल्य प्रेम वश है कि बच्चा बिगड़ ना जाए और कोई क्रोध नहीं। ये सर्वज्ञ है, पर इनको इतना पता नहीं है कि नंद बाबा आज बाहर दरवाजे पे नहीं है, नंद बाबा बाहर गए हुए हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब तो मैया से छुटकारा मिलना है नहीं, यदि बाबा की गोद में जाकर के बैठ जाएं तो मैया कुछ नहीं कर सकेगी। ऐसा हुआ करता था कि जब मैया डांटती थी तो बाबा की गोद में चले जाए, और बाबा तो कभी डांटते ही नहीं हैं। यदि बाबा नहीं रहते तो रोनी मैया की गोद में चले जाते। इन्होंने अब बाहर जा करके नंद बाबा की गोद में बैठने का निश्चय किया, इसलिए बाहर की ओर भागे। कहते हैं कि जो सर्वज्ञ है सर्वविद्य है, उसको ये पता नहीं है कि नंद बाबा आज यहाँ नहीं हैं, वे गोवर्धन की पूजा में गए हुए हैं। अर्थात जो तत्व देश काल से परिच्छिन्न नहीं होता, भूत भविष्य और वर्तमान का काल भेद जिसमें नहीं है, सारा भविष्य जिसका वर्तमान है, वे श्री कृष्ण आज इतने लीला रस तन में हो रहे हैं कि छोटी सी बात भी उनकी स्मृति से अलग होगी कि बाबा या नहीं। यशोदा रानी तो जानती है कि आज इनके बाबा हैं नहीं, इसलिए ये बार जाए तो आपत्ति नहीं, बाबा रहे और दरबार लगा रहे तो नंद रानी बार नहीं जाया करती। अपने यहाँ की प्राचीन परंपरा है कि स्त्रियां पुरुषों की सभा में ना जाएं, पर आज नंद रानी ने सोच लिया कि बाहर कोई है नहीं, गोपेंद्र की सभा सुनी पड़ी है, आज कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, इसलिए मैया बाहर गई। एक बाधा आ गई कि नितंब भार से दबी मैया की शीन कति से अधिक देर तक दौड़ना कठिन हुआ, वे हाँफ गए। वे तो बच्चे थे, फुदकते हुए दौड़ गए। एक तो उनमें स्वयं तीव्र गति है, इनमें अनंत गति है ना, वे जहाँ जाना चाहें वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हैं, इतनी उनकी तीव्र गति है। कहीं मन में जाने का संकल्प आया तो वहाँ पहले ही पहुँच गए। उनके स्वाभाविक और तीव्र गति में मैया के डर से बचने का और भी आज एक कारण है। वे तो जोर से भागे और मैया बेचारी राजसभा तक पहुँच ही नहीं सकी और उनकी गति मंद पड़ गई। दौड़ते दौड़ते मैया का जो केश बंद था, वैनी बंधन था, ये भी शिथिल पड़ गया। मैया के वेणी में गुथे जो पुष्प थे वे झरझर के गिरने लगे। पुष्पों ने कहा कि आज पुण्य लूट लो, जो श्री कृष्ण को पकड़ने उनके पीछे दौड़े उनके चरणों पर गिर जाना चाहिए। अतः तमाम पुष्प सिर से उतर उतर करके पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके मैया के चरणों पर गिरने लगे। पीछे गिर रहे थे ना,
वे हवा से उड़ करके मैया के चरणों पर लग जाते। वे तमाम पुष्प सोचे कि मैया के मार को भी पुण्य में कर दें, इसलिए वे गिर पड़े। श्याम सुंदर बाहर पहुंचे तो देखा कि बाबा की सभा सुनी है, कोई नहीं है। सोचा अब तो मैया यहां भी पहुंच जाएगी, इसलिए दूर से पुकारा कि मैया देख, बाबा तो है नहीं और तू पकड़े बिना मानती नहीं। अब मैं वन में जाता हूं। वन की ओर मुंह किया तो मैया डर गई और सोची कि कहीं अकेला भाग गया जंगल में तो उसके सुकोमल अंग हैं और जंगल में ना जाने कैसे कैसे कांटेदार वृक्ष होंगे। नारायण नारायण, बड़ी मुश्किल होगी। मैया हारी हुई थी और अब भय के मारे मैया ने कहा क्या करें, कुछ सूझा नहीं। तो मैया नारायण का ध्यान करने लगी। नारायण अब तुम बचाओ, नारायण इनके इष्ट देव थे। मैया ने आंखें मूंदी और नारायण का ध्यान करने लगी। कन्हैया ने देखा कि अब मैया थक गई, अब मैया को दौड़ाना ठीक नहीं, तो खड़े हो गए। दौड़ते दौड़ते खड़े तो हो गए। भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति जो है, जो सब शक्तियों को अपने अनुगत कर लेती हैं, वह है कृपा शक्ति। भगवान जी की कृपा शक्ति जहाँ काम करने लगती है वहाँ सारी शक्तियाँ उसके अनुगत होकर के काम करने लग जाती हैं। राक्षसों को भगवान मारते हैं और कृपा शक्ति कहती है कि मारो, देखें हम इन सब को लेकर के तुम्हारे धाम में पहुंचा देंगे। सारी शक्तियां लग जाती हैं और धाम में पहुंचा देती हैं। भगवान जी की कृपा शक्ति ने सोचा कि अब तो मैया बड़ी श्रमित होगी, इनका श्रांत कलेवर है और बड़ी दयनीय दशा है। अब तक तो 10 हाथ दूर थे, अब 10 उंगल दूर रहेगी। मैया ने आंख खोली तो बोली, मैं तो पहुंच गई इसके पास, मैं खड़ी कहाँ रही, मैं तो पहुंच गई, यही थक गया। मैया समीप आ गई और बोली, देखें अब कैसे तो भागता है, अब नहीं भाग सकता। तो मैया ने दौड़ करके चट से हाथ पकड़ लिया। मैया के दाहिने हाथ में वह लकड़ी और बाएं हाथ में से बड़े जोर से उनकी कलाई पकड़ ली। अब इनका पहुंचा पकड़ा कि वे कांप गए और मैया फटकारने लगी तो बड़ा शरारती है, अशांत चोर कहीं का, घर का लुटेरा, तूने सारा घर लुटा दिया, तेरी सारी उद्दंडता आज निकाल देनी है। मैया कह तो रही है पर भाव दूसरा। मैया रुकी इसलिए कि उनके मन में आया कि इनके बड़े कोमल कोमल पुष्प से रेखे चरण हैं और ये दौड़ रहा है तो यहाँ पत्थर कंकर सब पड़े हैं जो इसको लग रहे होंगे, इनके पैर में दर्द हो रहा होगा। मैया ने इसलिए भी रुकना उचित समझा कि मैं रुक जाऊँ, आँख मूंद लूँ तो ये बच्चा ही है, समझ लेगा। किम माँ ने आंखें मूंद ली, माँ को नींद आ रही है तो चले खड़े रह जाएं। इस विचार से भी वात्सल्य भाव है ना, भोला बच्चा। श्री कृष्ण के दुख को देख करके मैया के प्राण रो उठे। कहते हैं कि सीधी बात यह है कि भगवान जी के लिए जिसके प्राण रो उठते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं, जो केवल वाणी से ही पुकारते हैं उनको नहीं मिलते हैं। भगवान अब खड़े हो गए और उन्होंने पकड़ लिया और उनके बाद इनको बड़े जोर से डांटने लगी। ये डांट फटकार सुनते सुनते घबरा गए और इनकी आंखों में आंसू आ गए, बहने लगे। अब ये बेचारे क्या करें, मैया ने तो दाहिना हाथ पकड़ लिया और बाएं हाथ खाली है तो उससे आंसू पोंछते जाएं, रोएं और बाएं हाथ से आंसू पोंछे। उनका बड़ा सुंदर श्याम वरन, श्याम सुंदर भगवान जी का श्रीमुख और उस पर काला काजल बह रहा
और हाथों से उन्होंने इसे सब जगह लपेट लिया। कहते हैं कि भगवान जी के चरित्र में ये सबसे प्रथम और सबसे अंतिम लीला है। किसी के सामने भगवान रोकर के एक हाथ से आंसू पोंछे हों और गिड़ गिड़ाए हों, ये कहीं हुआ ही नहीं। वे डरे और बोले, मैया अब मारो मत, छोड़ दो मैया, छोड़ दे और बार बार लकुटी की ओर देखे। बोले, मैया बड़ी गलती होगी, अब नहीं करूँगा, छोड़ दे। मैया ने कहा, इतना ही मार का डर था तो तूने मटका क्यों फोड़ा? बोले, मैया अब नहीं करूँगा, तू और सब तो कर, परंतु ये लाठी तो फेंक दे। बोली, तू कहता है कि नहीं करूँगा और फिर कर बैठा तो? बोले, मैया नारायण जी की सुगंध खाता हूँ, अब नहीं करूँगा। बोली, तेरी सुगंध का क्या ठिकाना, तुम ना मालूम कितनी बार सुगंध खाता है और कितनी बार फिर मुकर जाता है। मैया के मन में आया कि उनकी जरा बोली सुने तब आनंद आवे। मैया ने वात्सल्य भाव भरा है, वे डांटती भी है और डांट करके जब दुखी देखती है तो हृदय रो पड़ता है। जब जरा विनोद की बात सुनती है फिर मैया का हृदय आनंद के समुद्र में डूब जाता है। फिर मैया ने बात चलाई कि तू बार बार कहता है कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा, तो ये काम तूने क्यों किया? सच सच बता दे तो छोड़ दूँगी। अब ये सच्ची बात बताते हैं, रो रहे हैं, सुबक रहे हैं और रुदन मिश्रित स्वरों में बोले, मैया देख देख, मैया मैं सच्ची बात बताऊं। मैया जब तू मुझे छोड़ करके वहाँ से भागी तो मुझे होश तो था नहीं, तेरे मन में तो दूध की लगी थी, तेरे पैरे में जो सोने की कड़ी है वे भारी भारी, तो इस कड़ी को की ठोकर लग गई मटकी से और मटका फूट गया। मैया इसमें क्या करूं, मटका था पुराना और तेरी ये कड़ी भारी है, इसकी लग गई ठोकर और मटका फूट गया, बताओ इसमें मेरी दुष्टता क्या है? तू कहती है ये बंदरों की बात, तो मैया देख ये घर खुला था जिसमें पीछे से बंदर आ गए, इन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा कि माँ का दधी माखन खराब हो जाएगा तो मैं बंदरों को भगाने लगा। मैया इससे मेरा क्या दोष है? बोली, अभी भागा क्यों? बोले, मैं भागा तेरी लाठी देख के, निर्दोष होते हुए भी मेरे पीछे तू लाठी लेकर के दौड़ी, मैं चोर की तरह भाग गया, अब मैया इससे मेरा दोष क्या है? मैया का हृदय हंस था, उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी बड़ी युक्ति जान गया। मन ही मन मैया विस्मित हुई, हर्षित हुई और बोली, जो वाणी से बात बना बना करके कहते हैं उन सब का सरदार और चोर उत्तम, जो चोरी करके भी सिद्ध करे कि मैंने चोरी नहीं की वह उत्तम चोर, चोरों में श्रेष्ठ, और तू नर श्रेष्ठ गोपराज के घर में पैदा होकर भी वानरों का मित्र है और तेरी प्रकृति भी वानरों की सी चंचल है। अब भगवान जी को ये बात कहाँ सुनने को मिले बताइए, कौन सुनावेगा उनको? और जो ये निर्गुणवादी बेचारे हैं वे तो डर जाएं इन बातों को सुनकर कि राम राम, ये निष्कल निरी निरंजन निराकार, उनमें इस प्रकार की भावना करना ये तो अविद्याग्रस्तों का काम है, उन्हें क्या पता कि सारी विद्या पार पहुँचे तो लोग हैं वे इसके लिए लालायित रहते हैं, मैया प्रसन्न होगी। इतने में क्या हुआ कि जब ये हो हल्ला हुआ, ये जोर जोर से रोने लगे कि लोग आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो ये लीला और ठीक बने, ये जोर जोर से रोए तो आस पास की गोपियां आ गई, सभी की आस लगी रहती थी
कि कोई मौका मिल जाए, सौभाग्य से कोई बहाना मिल जाए। गोपियां आ गई और बच्चे तो दूर दूर छिप करके रहे, बोले भैया आज खीजी हुई है और कहीं हम लोगों को एक आध चपत लगा दें। इसलिए बच्चे सब दूर खड़े रहे। मैया बोली ले आ अपने सब खिलौने, मैं सब छीन लूंगी, तो बड़ा बदमाश हो गया। इससे इनके आंखों में भय भर गया और मानो भय से कांपते हुए से भगवान हैं अब क्या करें, रो रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं और माँ की ओर देख रहे हैं। गोपियाँ आ गईं और उनमें से जो लड़कियाँ थी वे बोली नहीं, जो बूढ़ी गोपी थी माँ की समयस्का वे गुस्सा हो गई और बोली तू ऐसी हो गई, बच्चे को मारने लगी। हरि के बदन तन धो चाही, तनक धधी कारण जसोदा इत्तो कहाँ दिसाई। गोपियां बोली अरे मैया क्या हुआ जो जरा दूध धर धरका दिया, मटका फोड़ दिया, बच्चे तो ये किया ही करते हैं। देख इसके सौंदर्य को जिस पर तन मन प्राण सारे न्योछावर कर दिए जाएं और यह डर रहा है, देखो इसकी क्या दशा होगी। मैया ने भी देखा कि बच्चा तो डर गया और कहीं डर के मारे कोई बीमार ही हो जाए। तब मैया ने सोचा कि बच्चे को गोद लेकर के दूध पिलावें तो बच्चा प्रसन्न हो जावे। फिर बुद्धि में आए कि नहीं नहीं इतना डांटा डपटा है तब ये थोड़ा सा ठीक हुआ है, कुछ डर मन में बैठा है और अभी तुरंत लाड करने लगे तो सोचेगा कि मैया तो ऐसी ही है, ये तो खाली रौब दिखाती है, इसको गुस्सा थोड़े आता है, ये और उच्छृंखल हो जाएगा। तब जो मेरे डांट डपट का थोड़ा सा भय इनके मन में है ये भी जाता रहेगा, ये अच्छा नहीं होगा। अभी अभी हंसना और इसको गोद लेना ठीक नहीं है, अभी जरा धीरज रखना चाहिए। मैया को भी धीरज था नहीं, उनको जब रोता देखे तो मैया को धीरज रहे नहीं और इधर बुद्धि करे कि नहीं अभी नहीं, कुछ देर और हो जाए तब इसे दूध पिलाना और सब कुछ करना। इतने में और गोपियां आ गई, गोपियों से रहा नहीं गया। एक गोपी ने कहा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि को ललित बदन निहारूं। गोपी ने माता को लाना देना शुरू किया, तब माता के मन में वात्सल्य एम करना तो पैदा हो ही गई कि बच्चा रो रहा है और दुख पा रहा है। अब देखा कि समीप सभी का मत यही है लेकिन इसे छोड़ दिया तो अभी ये जरा क्रोध में आया हुआ है और हटी है, जिद्दी है, तो कहीं वन में भाग गया तो ठीक नहीं। इसने कह ही दिया कि मैं भाग जाऊंगा, वन की तरफ भाग गया, कहीं गिर पड़ा, कोई जानवर ने इसको काट लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि घर में कोई है नहीं और घर का सारा काम पड़ा हुआ है, सारा कार्य इसी के लिए है। मक्खन पड़ा है, दूध गर्म करना है, कलीवा है और सब काम करना है, सब काम आज हाथ से करना है। पहले वाली चीज़ तो मैया देगी नहीं, इसलिए तो मैया ने सबको आज बाहर भेजा है। इसके लिए आज सब काम स्वयं करना है जिसमें किसी दूसरे का स्पर्श भी ना हो, तब बच्चे को अच्छी चीज मिलेगी, तब ये चोरी करना छोड़ेगा, मैया का ये निश्चय है। अब मैया ने सोचा कि एक काम करें, बच्चा ही तो है, इसको जरा बांध करके रख दें और अपने काम में लग जाएं तथा किसी से कह दें कि जरा इसका ख्याल रखना, ये घड़ी आध घड़ी बंधा रहेगा तो इसका भी कुछ गुस्सा शांत हो जाएगा, तब आकर के दूध पिलाऊंगी, अपना काम भी कर लूंगी, फिर इसको राजी करना क्या है, जरा सा दूध पिलाऊंगी और थपकी दूंगी तो ये राजी हो जाएगा। इस प्रकार से मैया ने निश्चय किया। ये जानती नहीं कि ये कौन है,